ठीक है ना, जब आप फोर्थ में डाउनवर्ड आर्क कर रहे हैं, ये आउटलाइन बहुत ही ज्यादा लंबी बन गई। अगर आप ओके सर, अपवर्ड आर्क और थ करेंगे तो ये आउटलाइन विद इन वन लाइन स्पेस आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगी, इजी टू रीड, इजी टू राइट। ओके सर, ठीक है, इजीली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते जी सर, ठीक। हैं। इसी तरीके से बोर्ड में यहां पर देख रहा हूं, यहाँ पे कुछ जगह पे आपने एच जो सेम है, मिस्टेक कर रही हूँ। तो जैसे वर्ड है हैवी, हैवी में भी आपने क्या किया है, डाउनवर्ड एच यूज किया है और वी का स्ट्रोक बनाया। अब आप ओके इसके कंपैरिजन में ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, अपवर्ड एच के साथ लिखो और वी का स्ट्रोक लिखो, ये लिखना आपको ज्यादा ओके इजी रहेगा। सर, ठीक है, अच्छा दूसरा ये करेक्शन है यहाँ पे मेरे को बताना आपको, ये जो आर्टिकल बेस्ड ग्रामालॉग्स है ना, जैसे एंड आ गया, डू आ जी गया, शुड आ गया, इनका आपने लेंथ छोटा रखना होता है। अभी देखो जैसे डू का ओके ग्रामालॉग है, सर, हाँ पता नहीं शायद आपको कॉपी की लाइंस, शायद उनमें वो छोटा लाइन स्पेस है। डू का जो ग्रामालॉग है जी वो सर, मैंने इतना छोटा बड़ा आएगा मत, थोड़ा सा। ओके हाँ इन प्रोपोर्शन वो बड़ा लग रहा है, वो ओके ऐसे आना चाहिए, मतलब कि जो बाकी की स्ट्रोक्स हैं उनके प्रोपोर्शनेटली वो छोटा दिखाई देना चाहिए। एंड होता है वो ऐसे होगा, ऑफ होगा इतना ही होगा, ऑन होगा इतना ही होगा। ये आर्टिकल बेस्ड ग्रामलॉग्स, इनका लेंथ छोटा होता है। ठीक। और क्या प्रॉब्लम था, हाँ दूसरा आपको ये बताना मैंने कि ऑन द विंडो है पुअर इफेक्ट, येलो में वाई का स्ट्रोक गलत लिखा है आपने। हाँ येलो में य होता है ऐसे, ठीक है, हुक अंदर ओके, से मैंने वो स्ट्रेट लाइन ऐसे। एच एच बना दिया मैंने। हाँ वो कुछ पता नहीं ऐसा कुछ किया हुआ है, ये मेरे को समझ नहीं आ क्या बना। आपको करना है वाई एंड एल येलो, जी, ठीक ये आ गया येलो। उसके बाद देखो वर्ड है विंडो, विंडो को आप बनाओगे ऐसे WND, ओके, ठीक है, इसको वी से मैंने नहीं वो वाला बनाओगे। साउंड ले लिया सर। ओके सर, ठीक। हाँ आपने वी का स्ट्रोक लिया, देखो क्या बात है, शॉर्ट हैंड में जो ये व का साउंड है ना, इसके लिए हमारे पास दो स्ट्रोक्स हैं, इसके लिए हमारे पास वी भी है, इसके लिए हमारे पास डब्ल्यू भी है। अब जी हमें सर, कैसे पता चलेगा कब हमको वी करना है कब डब्ल्यू करना है, बात यह है कि शॉर्ट हैंड में जिस वर्ड का स्पेलिंग वी से शुरू होता है उसके लिए वी का स्ट्रोक, ओके जिस वर्ड का ओके स्पेलिंग सर, डब्ल्यू से शुरू होता है उसके लिए डब्ल्यू का स्ट्रोक। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है वैन, वैन आप लिखोगे वी और एन, ठीक है सर, लेकिन वर्ड अगर आता है ओके विन, विन आप लिखोगे डब्ल्यू और एन। सर, समझ गई। ये है, बाकी तो ठीक लिखा है, बस ये छोटी छोटी करेक्शंस थी, ओके बाकी सेंटेंस सही लिखे हैं। सर, डब्ल्यू का स्ट्रोक क्या बताया था मैंने? डब्ल्यू का स्ट्रोक हो गया ये ऐसे, हाँ ठीक, वाई का स्ट्रोक होता है ऐसे। डब्ल्यू के केस में हुक बाहर स्ट्रेट लाइन ऊपर, वाई के केस में हुक अंदर स्ट्रेट लाइन ऐसे, स्ट्रेट ठीक लाइन। है, ओके ये सर, डब्ल्यू है ये वाई है। वाह, ओके सर, बाकी तो ठीक लिखे है, बस वही है जो ये आर्टिकल बेस्ड ग्रामालॉग्स हैं उनका लेंथ आपने छोटा रखना है। हाँ जो स्ट्रोक बेस्ड ओके सर, ग्रामालॉग्स हैं जैसे पुट हो गया, हैड हो गया, मच हो गया, उनको आप फुल स्ट्रोक लिखेंगे क्योंकि वो स्ट्रोक ओके बेस्ड सर, ठीक। ग्रामालॉग्स। 14th एक्सरसाइज जो हमने करी ना, जी सर, 14th एक्सरसाइज
को करने का मकसद ही यही है, उसमें ये हमें देखना है कि कहाँ पर अपवर्ड आ रहा आएगा, कहाँ पर डाउनवर्ड आ रहा आएगा। जी सर, एक बार और प्रैक्टिस कर लूंगी इसके लिए। हाँ, 14th एक्सरसाइज को देख लेना आप, जी सर, ठीक है। मैं समझ गया, आपने फोर्थ में शायद इसलिए किया होगा क्योंकि आपने देखा आर के बाद कोई वॉवेल नहीं है। हाँ सर, वो ऐसा ही कुछ रूल्स। हाँ देखो, रूल्स के साथ साथ कन्वीनियंस भी है, ठीक है। रूल्स के साथ साथ कन्वीनियंस भी जी मैटर करता है। अगर आप एफ के साथ जी डाउनवर्ड आर सर, लेके तो वो काफी ज्यादा आउटलाइन नीचे हो जाएगी, एफ के साथ अपवर्ड आर लेके करेंगे तो इजी रहेगा लिखना भी और दिखना भी। तो जी सर। अभी तक कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है मुझे, अभी तो डाउट नहीं। ठीक है, 15-16 का आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, 15-16 का प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट चैप्टर का आपको मैं वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो से आपको क्लियर ओके सर, हो जाएगा, ठीक है। एक ओके सेकंड भेजता हूँ मैं आपको। जी। इलियास जी आप रेडी रहो, मैं 1 मिनट इनको वीडियो भेजता हूँ। इलियास जी, लास्ट टाइम कहाँ तक किया है हमने, सिलेबस कहाँ पे हो पहुंचा हमारा? हेलो, हेलो, कहाँ यार? मॉर्निंग सर। हाँ सर, हमने किया था एक्सरसाइज 32 तक। 32 एक्सरसाइज, कौन सा क्या? अच्छा, वो सर्कल्स कर लिया स्वीटी हमने, स्वीटनेस। हाँ जी सर, ये समझ आ गया। ठीक है। SW और SSS का लूप, वो आया समझ आपको? हाँ जी सर, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लो। वो सर मैंने की, आपको भेजता हूँ मैं सर, 1 मिनट। भेजो मेरे को। हाँ यार, एक लड़का आता था रंजन, शायद आप ही के बैच में था वो, है ना, वेस्ट बंगाल से, वो आजकल आता नहीं। सर, हाँ मतलब यही टाइम था उसका, नहीं आजकल आता नहीं, उसको मैसेज भी किया मैंने, रंजन महतो। ठीक है, आप इसमें डिप्थोंग डालो या खाली वॉवल डालो, एज लॉन्ग एज आपको पता चल रहा है कि ये डिसाइसिव है या जैसा आप प्रोनाउंस कर रहे हैं डिसिसिव है, आपने करेक्ट इसको टाइप किया तो सही है, आपको ट्रांसक्रिप्शन में फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक ठीक है। बाकी ये है कि ये आदत अपनी रखो, इसमें सर, वॉवल्स डाला डालने करो। हाँ, वॉवल्स डाला करो। की, ठीक सर। एंटाइसिस, रिड्यूसेस, रिवाइजेस, आउंसेस, फिर क्या, मिंसेस, लेसेस, रोजेस, पेरोजेस, टेरेसेस, एसेंसेस, फेंसेस, रोमांसेस में आएगा, डाउनवर्ड आर ही आएगा क्योंकि आर के बाद एम आ रहा है, डेजेस, रेजेस। अच्छा, डिसाइसिव के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है ये? रेसिल, हाँ ठीक है, रेजिस्ट, मिसेस, मिसेस, करेक्ट है। अब देखो ना, मिसिसिपी में आपने वॉवल डाला नहीं है, ये सर अभी ट्रांसक्रिप्शन में मैं लिख आएगा। रहा था। ये वॉवल डालने की आदत रखो यार, नहीं तो ये ट्रांसक्रिप्शन में फिर तभी गड़बड़ी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कर देते हैं, वो वॉवल लगाना छोड़ देते हैं। देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। एग्जाम में मान लो JKSSB में आपको जो डिक्टेशन आएगा 250 वर्ड्स का आएगा, 250 वर्ड्स में ऐसा ही कोई वर्ड आ गया जहाँ पे आपने वॉवल नहीं डाला, आप उसको कैसे पहचानोगे? सही ढाई बात है सौ सर। वर्ड्स में इतने फिर वर्ड्स छांटने हैं ना, वहां पे हाँ फिर सर, गेस वर्क थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहां पर तो आपको मालूम है, आपने एक्सरसाइज का वर्ड बनाया है, आपको मालूम है ये क्या वर्ड है। जब अनसीन पैसेज आएगा, उधर ट्रांसक्रिप्शन में आपने वॉवेल नहीं डाला होगा, तो वो गेस वर्क फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक सर। इसलिए वॉवेल डालना रखो आप।
तो अगर ये चैप्टर क्लियर है अच्छे से, कोई इसमें डाउट नहीं, इसका डिक्टेशन अटेम्प्ट कर लो। ये 33 वाला सर? 34 वाला, देखो 33 तो शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, वैसे मैं आपको बोलता हूँ पीछे इसका आंसर की, मैं इंग्लिश देख के शॉर्ट हैंड लिखा करो, आप 34 लिख दो फिर। ठीक सर, 34। इनमें ग्रामर लॉग्स आएंगे, वो इंक्लूड करके लिखना। ठीक है सर, मैं लिख के फिर आपको भेजता हूँ सर। ठीक है, अराइव में आपको आर वी ए अराइव ऐसे लिखना है, और ही या हाई जब भी वर्ड या सेंटेंस शुरू होता है तब डाउनवर्ड एच, हाई ही। दे वर ड्यू टू अराइव एट 5 बट वर डिलेड। वर में आपकी आई का डिप्थोंग क्यों बना रहे हो? ये तो फिर वायर बन गया। वर को नॉर्मल ऐसे लिखो, अगर आप डिप्थोंग लगाओगे तब ये वायर बन जाएगा। हमें आई के साउंड का जरूरत नहीं है हम पे, तो क्यों बना रहे डिलेड? लॉन्ग टाइम एट विक यू शुड, शुड का ग्रामर लॉग गलत है, ये आपने 2 बना दिया है। ठीक है, यू शुड, शुड ऐसे होता है, यू शुड वेरीफाई ईच, ईच होता है चे का स्ट्रोक बिलो द लाइन। आप इसमें प्रिसीडिंग में सेकंड प्लेस वॉवेल लगा रहे हो, ये एच बन जाएगा। ईच होता है चे बिलो द लाइन। आइटम ऑन द बिल, ऑन होता है अबव द लाइन, ऑन द लाइन ये बट बन जाता है। करेक्शंस काफी है एक ही सेंटेंस में, इसको अच्छे से देखना। डू यू, डू में आपको वॉवेल लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप में ही ये ग्रामर लॉग होता है। डी का स्ट्रोक ऑन द लाइन, ये डू बन जाता है। डू यू लाइक द न्यू टायर यू हैव हैड, हैड होता है अबव द लाइन, पुट ऑन होता है अबव द लाइन। ग्रामर लॉग्स में गलती कर रहे हो बहुत, ग्रामर लॉग्स में बहुत गलतियां हैं, अच्छे से देख लो एक बारी ग्रामर लॉग्स, इनको लिखो पहले, नोट डाउन कर लो एक बारी। ठीक है, सारे ग्रामर लॉग्स जो जो पढ़ रखे हैं ना, इनको कॉपी पे साइड पे कहीं पे नोट डाउन कर लो, लिखते हुए ये और ज्यादा याद रहेंगे। डू यू लाइक द न्यू टायर यू हैव हैड पुट ऑन अबव द लाइन, कार, कार में डाउनवर्ड आ रहा है, कार में डाउनवर्ड आ रहेगा, क्यों? क्योंकि आर के बाद कोई वॉवेल नहीं है। फ्यू ऑफ द पार्टी न्यू, न्यू को आप के स्ट्रोक से लिख रहे हो, न्यू में एन का साउंड आ रहा है अच्छा खासा, वाई अबव द लाइन होता है, वाई का ग्रामर लॉग एल शेप्ड अबव द लाइन होता है। Why you had, had होता है above the line, लकीर के साथ, to go to new के on the 10th of July, July में L के बाद I का sound आ रहा है, July, आपने जूली बना दिया इसको। A week ago I saw Doyle, Doyle में खाली यही आएगा, oy का diphthong vowel नहीं आएगा। बट होता है ऑन द लाइन, ही अगेन एच डाउनवर्ड, हैड नहीं यार, वॉवल्स में गलती है, सॉरी वॉवल्स में नहीं है, ग्रामर लॉग्स में गलती है, ग्रामर लॉग्स में बहुत ज्यादा गलतियां हैं। जिसको अबव द लाइन लिखना है उसको आप ऑन द लाइन लिख रहे हो, उल्टा कर दिया आपने। बाकी आउटलाइंस तो ठीक बना रहे हो, आउटलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटलाइंस आपको अच्छे से मालूम है कैसे स्ट्रोक को ज्वाइन करना है, थोड़ा बहुत वॉवेल में गलतियां कर रहे हो, कुछ कुछ जगहों पे वॉवेल में, और ज्यादा गलतियां ग्रामर लॉग्स में हो रही हैं।
देखो मैं एक बारी ना ग्रामलॉक्स ये लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये ए एन द, ये तो मालूम है आपको। उसके बाद होता है ऑफ, लाइट डैश अबव द लाइन, ये ऑफ है। इसको लाइन पर रखोगे ना तो ये टू बन जाता है। अब डार्क कर दो, ये बन गया ऑल। इसी डार्क डैश को ऑन द लाइन लिखो तो ये टू बन जाता है, TWO या TOO। उसके बाद है ऑन, ऑन होता है लाइट वर्टिकल डैश अबव द लाइन, ये ऑन है। बट बनाना है उसको ऑन द लाइन लिखो। ठीक है, फिर है ये ऑट, AUGHT या OUGHT, ऑट, डार्क डैश अबव द लाइन, ये इसका एरो डायरेक्शन होता है। जैसे हम जे का स्ट्रोक बनाते हैं उसी डायरेक्शन में। इसको लकीर पर लिखोगे तो हु बन जाएगा। फिर है एंड, एंड होता है नीचे से ऊपर लेकिन अबव द लाइन, ये एरो डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर। इसी एंड को आप लकीर से शुरू करेंगे तो ये शुड बन जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल बेस्ड ग्रामलॉग्स हैं, इनका शेप एंड साइज छोटा होता है। अब जो स्ट्रोक बेस्ड ग्रामलॉग्स हैं, जिनको हमने स्ट्रोक से डिराइव किया, उनमें आपको फुल लेंथ स्ट्रोक्स लिखने हैं। जैसे पुट आ गया, पुट को हम पी के स्ट्रोक से लिखते हैं, फुल लेंथ स्ट्रोक है, अक्रॉस द लाइन, बिलो द लाइन। बी होता है बी का ही स्ट्रोक ऑन द लाइन, टू बी होता है बी का स्ट्रोक थ्रू द लाइन, बिलो द लाइन जाता हुआ। इट होता है टी ऑन द लाइन, हैड होता है डी अबव द लाइन, डू होता है डी ऑन द लाइन, डिफरेंस या डिफरेंट होता है डी बिलो द लाइन, मच होता है चे अबव द लाइन। देखो अबव द लाइन ऑन द लाइन का कितना फर्क रख रहा हूं मैं। विच होता है चे ऑन द लाइन, ईच होता है चे बिलो द लाइन। ठीक है, लाइंस का बहुत इसमें रोल होता है शॉर्ट हैंड में। ये आ गया आपके स्ट्रोक बेस्ड ग्रामलॉग्स। उसके बाद जो आप गलती कर रहे हो वो है, देखो जैसे वर्ड होता है ना ही या हाई, इन वर्ड्स में एच जो होता है इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब है अकेला आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अकेला एच का स्ट्रोक है और कोई स्ट्रोक नहीं इसके साथ। ऐसे वर्ड्स में हमेशा एच जो होता है वो डाउनवर्ड लिखो, ही ऐसे, हाई ऐसे। ये करेक्शंस है इनमें, तो इतनी सारी करेक्शंस है। इसको थोड़ा दोबारा रिपीट करो, ग्रामलॉग्स को अच्छे से देख लो, बाकी आउटलाइंस तो ठीक बना रहे हो। वॉवेल में भी इक्का दुक्का थोड़ी सी गलती हो रही है, बाकी ये ग्रामलॉग्स को अच्छे से देख लो, इसको दोबारा लिख लो। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें अभी तक? डिफ्थोंग्स में नो सर, वो ग्राम, ये है ना ग्राम लॉग्स, मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया, टाइम नहीं बना सकता। इनको प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे नोट डाउन किया वैसे ही आप भी लिखो कॉपी पे इसको। ग्रामलॉग देखो, ग्रामलॉग्स ना हर चैप्टर में आएंगे। शॉर्ट हैंड में करीब 250 ग्रामलॉग्स है, उसको आप ऐसे रिमेम्बर याद नहीं कर सकते आप उसको। उसको हमने जितना हम लिखेंगे, जितना उसको इंक्लूड करेंगे, यूज में लाएंगे डिक्टेशंस में, सेंटेंसेस में, तभी क्या कहते हैं हमारी मेमोरी में छप जाते हैं, अदरवाइज वो याद नहीं होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो इनकी, ग्रामर लॉग्स की।